विकासखंड मुख्यालय भोपाल पट्टनम को जोड़ती नेशनल हाईवे से महज 3 किलोमीटर दूर धनगोल गांव को जोड़ती कच्ची सड़क में बनी एक पुलिया करीब 5 साल पहले ढह गई थी, जिसके चलते बारिश के दिनों में उफनते नाले से गांव वालों की मुश्किलें बढ़ जाती। 50 परिवारों तक ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाता और ना ही दुपहिया वाहन से नेशनल हाईवे तक पहुंचा जा सकता। बारिश के मौसम में पुलिया के अभाव में गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क लगभग टूट ही जाता था। गांव के सरपंच नागैया समेत ग्रामीण बताते हैं कि परेशानी से निजात पाने दफ्तरों से लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। पुलिया दिखाने के लाया था मैं बुला के जी, अभी जो वर्तमान में जो है ना विक्रम मांडव जी, उसको मैं दिखाने के लिए लेकर आया, तो उन्होंने वादा भी करके गया इस पब्लिक से या ग्रामवासियों से जितना भी जो भी जमा हुए थे उस दिन, वादा भी करके गया कि मैं जैसे ही विधायक बनूंगा आपको मैं पुलिया बना के दूंगा ऐसा कर, लेकिन कोई सहयोग। बिहार के दशरथ मांझी पर बनी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन के आखिरी दृश्य में दशरथ कहते हैं कि भगवान के भरोसे ना बैठे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। फिल्म के इस डायलॉग से ठीक इत्तेफाक रखती है बीजापुर के धनकोल पंचायत, जहां प्रशासन से एक पुल की फरियाद करते थक चुके ग्रामीण प्रशासन से उम्मीद छोड़ बारिश में होने वाली कठिनाइयों से बचने श्रमदान के बूते जुगाड़ की पुलिया को आकार देने में व्यस्त है। देखिए छत्तीसगढ़ तक की खास रिपोर्ट। बिहार के गहलोर में दशरथ मांझी पर बनी फिल्म द माउंटेन मैन तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें अपनी पत्नी की दुखद मृत्यु के से चोट खाया दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता निकाला था। हालांकि इस फिल्म में एक तस्वीर वो भी थी, एक दृश्य वो भी था, सिस्टम की नाकामी को फिल्म में ज़रूर दिखाया गया था, जिससे जिसके चलते दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बनाया था। एक मिलती जुलती एक तस्वीर इस वक्त बस्तर के बीजापुर इलाके से ही है, जहां प्रशासन कहे या सिस्टम की नाकामी का खामियाजा भुगत रहे ग्रामीणों ने दशरथ मांझी की तर्ज पर ही अपने गांव में एक जुगाड़ का पुल बनाने का संकल्प लिया है और उस संकल्प में वे काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। मेरे ठीक सामने देख सकते हैं ताड़ के पेड़ की जो तने हैं उसके सहारे एक जुगाड़ का पुल बनाया जा रहा है, और इस जुगाड़ के पुल के पीछे की कहानी भी सिस्टम की नाकामी से मेल खाती है। वजह यह है कि कुछ वर्षों पहले 4 से 5 वर्ष पहले यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से जो सरकार की तरफ से जो पुल का निर्माण कराया गया था, दरअसल वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भारी बारिश के दौरान यह पुल धराशायी हो गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस पुल के धराशायी होने के बाद यहाँ से जो गुजरी हुई सड़क है और इसके आगे के जो बसे गांव है वहाँ के रहने वाले बाशिंदों के लिए बारिश आते ही परेशानियाँ उनके लिए दीवार बनकर या चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है, जिसके चलते न सिर्फ आवागमन में बल्कि मरीजों के साथ साथ कुछ देर पहले स्क्रीन पर एक तस्वीर आप देख रहे थे, एक शव को भी ले जा रहा था। ऐसी अंतिम घड़ी में भी दुख का सामना यहाँ के लोगों को, परेशानियों का सामना यहाँ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इससे निजात पाने ही प्रशासन के भरोसे ना रहते हुए ग्रामीणों ने आखिरकार एक जुगाड़ का पुल बनाया है, बनाने की जुगत में है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये इसके पीछे की क्या कहानी है सीधे गांव के सरपंच से जानते हैं। भैया आपका नाम बताएंगे? नागया कुंजम। अच्छा नागया जी, इसके ये जो आप लोग ताड़ के पेड़ से आप लोग जो पुल बना रहे हैं उसके तने से, इसके पीछे की वजह क्या है? सर पहले से हम लोग कोशिश कर रहे हैं पुल के लिए निर्माण के लिए, नहीं हो पा रहा है, कोई मदद नहीं कर पा रहे, इसलिए ताड़ का पुल ये कोटला लगा के पुल यहाँ बना रहा। यहाँ पहले तो एक पुलिया बना हुआ था, ये इसके कहानी क्या है, कैसे ढहा था ये पूरा? इधर से बहुत पानी आता है ना सर, ये तालाब वाला, इसलिए वो लड़क गया, वो गिर गया, वो पहले बनाए थे, मैं सरपंच बना इस साल, इससे पहले वाले बनाए थे, पहले का कार्यकाल। जी जी जी, पहले का कार्यकाल। ये तो इतनी जल्दी, मतलब 4-5 साल में तो कोई पुलिया ढहना नहीं चाहिए, तो भ्रष्टाचार भी हुआ होगा? पता नहीं सर, उस समय अपन तो जानते नहीं। अच्छा, तो ये पुल नहीं था तो पुल से जो दिक्कत हो रहा था, इस बीच में आप लोगों ने शिकायत कहाँ कहाँ दर्ज कराई? शिकायत मैं सरपंच बनाया, बनने के बाद मैं जनपद में भी दिया था, कलेक्टर में भी दिया था, मैं वो तो मैं आवेदन किया हूँ इसके लिए।
विधायक जी को भी दिए? हाँ, विधायक अभी गए, विधायक को तो ला के घूमा, इधर से ले जाए पार करा के लेके गए, चुनाव के प्रचार में जब आया विधायक जी, उस टाइम उनको पुलिया दिखाने के लिए लाया था मैं, बुला के जी। अभी जो वर्तमान में जो है ना विक्रम मांडवी जी, उसको मैं दिखाने के लिए भी लेके आया, तो उन्होंने वादा भी करके गया इस पब्लिक से या ग्रामवासियों से जितना भी जो भी जमा हुए थे, उस दिन वादा भी करके गया कि मैं जैसे ही विधायक बनूंगा आपको मैं पुलिया बना के दूंगा, ऐसा कर। लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला है। इस बार मिले उनसे? इस कई बार मिला, मैं तो बंगला में भी गया था। अच्छा। भैया मेरा वाला काम तो करवा दो। अभी की बात जी, अभी की बात। इसके बाद फिर बीजेपी वाला जो जितना कार्यकर्ता है उनसे भी रिक्वेस्ट करके इंस्ट्रूमेंट बनवाया, प्रस्ताव बनवाया, सरपंच सचिव से बनवा के भी जमा करवा लिया, उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ, पूरा रद्दी हो गया सर। कोई बहुत ज्यादा कठिनाई के क्या क्या चीज की? बहुत तकलीफ है सर, जैसे पानी गिरेगा ना हमको, डिलवरी केस में भी उतना ही तकलीफ है, किसी को इमरजेंसी कहीं गिरना टूटना, आदिवासी लोगों का परेशानी तो लगे रहता है, उस चीज के लिए हमको काट भी लगा बो के लेके आना है, फिर इधर से गाड़ी कुछ करा के ले जाना पड़ता है सर, बहुत दिक्कत है। अब ट्रैक्टर है, गाड़ी है, बाइक है, चावल लाना है, तो ये सब सारे चीज के लिए इतना तकलीफ उठाना पड़ रहा है हमको कि अब सभी जान रहे हैं कि ग्रामवासियों को कितना तकलीफ रहता है। अभी ये कितना हद तक बनकर तैयार हो गया है? अभी लगभग लगभग बन गया, अभी इसमें फिर इसी को चकला करेंगे, ऐसा आड़ लगा के ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी ला के मुरमुगर कुछ बिछा के। मजबूत होगा क्या क्या इस पे? लोग ही पैदल जा सकते हैं? इसमें पैदल जा सकते हैं, एक बाइक को हम निकल सकते हैं। तो एम्बुलेंस के लिए कैसे करोगे? एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए क्या करेंगे सर, इतने दिन परेशान हुए, कलेक्टर गए, विधायक साहब के पास गए, जनपद पंचायत के पास गए, नहीं हो पा रहे, देखते हैं अब क्या है। गाँव में जाती है हमारा यही है, शासन प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन। राशन की गाड़ी है? राशन की गाड़ी है, उचित मूल्य दुकान आंगनपल्ली पंचायत में रहता है सर, अब वो चावल तो हम बाइक में लाते हैं। अच्छा। जी आगे कौन कौन सा गांव है? थोड़ा बस एक ही गांव है उधर, अच्छा साल इस ग्राम धनगोल करके हैं जी। कितने परिवारों में? यहाँ इधर कम से कम 50-60 से ज्यादा घर है। जी सर। तो आप लोग गांव वाले लोग कैसे डिसीजन लिए कि यहाँ पे पुल बनाना है? इससे पहले 3-4 साल बीत गया, इस साल क्यों सोचे कि बनाना? इतना साल परेशान हो गए सर, हम बहुत परेशान उठा दिए, तकलीफ झेले हैं, कुछ ना कुछ अपना देसी जुगाड़ लगाते हैं हम, कम से कम बाइक तो पार करेंगे, कुछ तो करके जीना तो पड़ेगा, ऐसा करके सोच के सब बैठ के हमारे यहाँ पोसम्बगुड़ी के यहाँ हर बुधवार के पूजा पाठ होता है, आदिवासी परंपरा है, उसमें बैठक होने के बाद हर कोई अपना अपना विचार रखे हैं, ये जुगाड़ लगाए सर, शासन को कम से कम ऐसे तो करके दिखाएंगे, अब क्या करेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हमारे पास जो जुगाड़ है देसी जुगाड़ वही लगाएंगे, ऐसा करके कर रहे हैं सर। तो ये गांव वालों का कहना था, एक बड़ी बात या बड़ी प्रेरणा वाली भी बात है कि जिद करो और दुनिया बदलो। माउंटेन मैन के फिल्म के आखिरी सीन में भी एक बात दशरथ मांझी कहते हुए नजर आए थे कि भगवान के भरोसे ना बैठे, क्या पता भगवान हमारे से भरोसे बैठा हो। ठीक इसी तरह ये सरकार से मिन्नतें करते, गुहार लगाते, फरियाद करते थक चुके थे, आखिरकार इन्हें भी वही लगा कि सरकार के भरोसे ना बैठे, जो इनसे हो सका वो उनको करना है और वो कर रहे हैं। एक ताड़ पेड़ के तने से भले ही जुगाड़ का पुल, लेकिन इस बरसात में उन्हें एक बड़ी राहत की उम्मीद इस पुल से ज़रूर है, लेकिन सिस्टम को भी एक आईना दिखाती है तस्वीर है कि महस जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, जहां नेशनल हाईवे से ही चंद किलोमीटर की दूरी पर भोपाल प्रपट्टनम ब्लॉक का मद्देड़ पंचायत का ये वो गांव है, जहां एक महज 4-5 साल से एक ध्वस्त पुलिया को प्रशासन आज तक बना नहीं पाया, उसका पुनर्निर्माण नहीं करा सका है और ग्रामीणों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ तक के लिए यहीं तक, पी रंजन दास, बीजापुर।